ये सब यही कर रहा है, कैमरा पूरा हिला रहा है, यही कर रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और पलक, और जितने भी छोटे लोग हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इन निशा खुलिया व्लॉग्स। तो अभी मैं आई हूँ बड़े पापा लोग के वहाँ पे आ रखी हूँ, तो दिखाती हूँ मैं ज़रा पूरा यहाँ पे ग्रीनरी हो रखा है। मैं यहाँ पे आ रखी हूँ और बड़ी मम्मी के, मैं ये बड़ी मम्मी झाड़ू है ना, ये बड़ी मम्मी ने झाड़ू बना के रखे, देखो कितने बढ़िया। अभी सूख जाएगा उसके बाद फिर ये झाड़ू है तैयार। ने देख ही लिया है कि बड़ी मम्मी ने कितना बढ़िया झाड़ू बना रखा है। तो बड़े पापा डाल रहे हैं आज खेत में दवाई, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मशीन में बड़े पापा कैसे दवाई डाल के फिर डालेंगे खेत में। तो मैं ना चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये है मशीन दवाई डालने वाली, और ऊपर से पहले यहाँ पे से बड़े पापा इसमें पानी भर रहे हैं, है ना बड़े पापा, पहले इसमें पानी भरा जा रहा है। फुल टैंकी हो जाएगी जब, उसके बाद फिर दवाई मिक्स करोगे ना इसमें, फिर इसमें दवाई मिक्स करेंगे, और दवाई कहाँ से मिक्स करोगी, उसके बाद फिर इसको टांगेंगे, टांग के फिर इससे दवाई डालेंगे। जब डालेंगे मैं तब दिखाऊंगी कैसे डालेंगे। और यहाँ पे बड़ी मम्मी नीरज को लेके अमरूद ढूंढ रही हैं अमरूद ढूंढ रही हैं बड़ी मम्मी अमरूद खाने खिलाने के लिए नीरज को। अमरूद बढ़िया होते हैं इस पेड़ के, पके नहीं है, तो पके तो नहीं है, बोल रहे कच्चे देने नहीं है नीरज। मम्मी बोलिए मेरा नाती कच्चा नहीं खाएगा, वो पका है पका ही खाएगा। तो मस्त बड़ी दादी के साथ खुश हो रखा है, बड़ी दादी के साथ तो खुशी हुआ वो, आज बड़े दादू से गुस्सा हो रखा है पता नहीं क्या हो रखा है आज बड़े दादू को। एक अमरूद मिल गया है ना, लाओ चाची को दिखाओ, और अमरूद भी तो कितना अच्छा है ये देखो चलो ये लो, अब बड़े पापा दवाई डाल लें। तो ये बड़े पापा ने, ये कौन सी दवाई है बड़े पापा, कीड़े वाली, मच्छर वाली, मच्छर कीड़ा, उसी में मिक्स कर दिया बड़े पापा ने दवाई है। बड़े पापा हमारे एक्सपर्ट हुए हर चीज में, आप दवाई देखना किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बड़े पापा ही डाल देंगे पूरे खेत में। अभी अब दवाई मिक्स कर दी है इसमें, ये डाल दिया, अब सीधे मैं डालते हुए दिखाऊंगी बड़े पापा जब खेत में दवाई डालने जाए। यहाँ पे बड़े पापा बिल्कुल रेडी होते हुए, पिट्ठू बैग टांग लिया बड़े पापा ने है बड़े पापा, चले अब ड्यूटी करने हाँ फौजी तो हुए, रिटायर आर्मी रिटायर है बड़े पापा। अब देखो अब मोटर चलेगी इसकी, मोटर चलेगी अब इसकी, और फिर डालेंगे बड़े पापा फटाफट। गाइस यहाँ पे बड़ी मम्मी का जरा मैं देखती हूँ दिखाती हूँ, ये देखो बड़ी मम्मी का घास, मस्त घास बना रखा है बड़ी मम्मी ने सिपाले हुए। तो बड़े पापा चले गए उस साइड को, तो वहाँ से आएंगे दवाई डालते हुए, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी यहाँ पे खेत में जब इस साइड को आएंगे। तो बड़े पापा उस साइड को हैं, अभी दिखेंगे नहीं, उस साइड को हैं, फिर जब यहाँ की साइड आएंगे डालने फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ ज़रा। और अगर बोलूँ तो आज लगा है, मतलब धूप नहीं आई, आज काला घाम जैसा लग रखा है, बादल भी आ रखे हैं, तो मतलब मौसम ठीक हो रखा है, इतना गर्म भी नहीं हो रखा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। तो चलिए देखते हैं बड़े पापा कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, तब तक मैं भी अमरूद तोड़ के खा लेती हूँ। बड़ी मम्मी लोग कहें क्योंकि मुझे भी एक अमरूद दिख गया है ये अमरूद भी इतना बढ़िया है, कच्चा ही है मगर गाइस ये आ रहे हो आप लोग आ जाओ, मगर मीठा हो रहा है, कच्चा है मगर मीठा है अंदर है। गाइस बड़े पापा आ गए हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आप लोग को बड़े पापा दवाई डालते हैं। या ओ दूर में ये बड़े पापा, बड़े पापा आया हाय अब पूरे खेतों में बड़े पापा ये दवाई डाल रहे हैं। एक पहले वो वाला भी आता जिसके हाथ से ऐसे पंप ऐसे करते करते डालो, मगर ये वाला अच्छा होता है, पीछे मोटर से स्टार्ट कर रहा और दूर दूर तक जा रहा है, डालने वाले के लिए बहुत आसानी है। टाइम पे तो बड़ा लोगों को वो होता था, अब मैं जरा अंदर को जाती हूँ।
थोड़ा सा वीडियो शूट करना था, मैंने कर दिया। हाथ से ऐसे करते रहो और वो ज़्यादा दूर तक भी स्प्रे नहीं जाता था इस दवाई का, मगर ये बहुत दूर तक जाता है और आराम का आराम में पीछे से मोटर ऑन करके बस हो गया। तो अभी नाश्ता पानी हुआ नहीं हमारा, नाश्ता पानी बन गया आज, आलू बड़ी प्याज टमाटर लहसुन की सब्जी बना रखी है, तो वो खाते हैं जरा हम लोग। नीरज अपनी बड़ी मम्मी के वहीं हैं, खेल कर रहा है यहाँ पे। मैं ज़रा इसको ले जाती हूँ घर में, ये यहीं रहेगा ये दिन भर, इसको ना इसको कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लेकर जाओ तो मस्त है। गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी थोड़ा बाथरूम की सफाई करके मैं आई हूँ कमरे में। तो मेरे कमरे की भी हालत थोड़ी, चादर चेंज करनी है, चादर धोई थी तो चादर चेंज करनी है, चादर ला गई हूँ। ये कपड़े धुले थे तो इनको भी फोल्ड करके थोड़ा तय करना है, ज़रा मैं अपने कमरे की हालत सही कर दीजिए, जो ये अव्यवस्थित तरीके में फैले हुए हैं जो सामान, उनको ज़रा व्यवस्थित तरीके से रख लेती हूँ मैं, थोड़ा ज़रा कमरे की हालत थोड़ा सही कर लेती हूँ, ज़रा थोड़ा ये काम फिनिश करके फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे कर दिया अपना कमरा सेट, कपड़े हट गए हैं, बिस्तर हो गया सेट। तो और आप देख सकते हो मैंने तेल डाल के मैं बिल्कुल चंपू बन चुकी हूँ, चंपू राम, क्योंकि कल मैं सोचूँ कल को वॉश करूँगी हेयर्स, तो एक दिन पहले मैं तेल बिल्कुल जम के बिल्कुल तेल डाल देती हूँ टॉप टू बॉटम तक बालों के, ताकि थोड़ा बालों में नमी रहे एक दिन पहले, वरना बिना तेल डाले तो बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए तेल टाइम टू टाइम डालना चाहिए। तो इसलिए मैं कल सोची थी तो बाल धोंगी, तो अब मैंने अभी दिन में डाल दिया और दी हो गई हैं रेडी, दी जा रही हैं। खटीमा मैं नहीं जा रही, मेरा कोई खास काम नहीं है तो दी जा रही हैं। तो मेरा भी थोड़ा घर में ही बैठी हुई हूँ मैं, दी से थोड़ा बहुत सामान जो मुझे मंगाना था मैंने दी से ही मंगा दिया, नीरज के कुछ कपड़े अपने लेने हैं बर्थडे के लिए, तो इसलिए दी जा रही हैं खटीमा। तो मैं मिलूँगी आप लोग को थोड़ी देर बाद, वीडियो कंटिन्यू करती क्योंकि पता नहीं क्यों गर्म हो गया, ऊपर भी गई छत में कपड़े वपड़े डाल के तो गर्म। अभी दिन का टाइम हो रखा है, अभी 4:30 नहीं हो रखा है, 4 बजे हम लोग आ रखे हैं, 4:15 बजे बाहर, क्योंकि मौसम हो गया बहुत बढ़िया, हवा चलने लग गई है, बारिश आने वाली है। तो मैं अमरूद तोड़ के अमरूद खा रही हूँ, और एक अमरूद मैंने नीचे गिरा के 3-4 बार फर्श में दो भाभी के वहाँ तक पहुँचा रखा है। ये हमारे वहाँ लगे थे, तो अभी मामा जी आए थे 5 मिनट बैठने, तो थोड़े मामा जी के लिए तोड़े, तब मैंने एक अपने के लिए भी तोड़ दिया। मम्मी जी भी नीरज को लेके यहीं पे बैठे हुए हैं, मानसी भी आ गई वहाँ से, क्योंकि अब हो रहा है बाहर धूप तो आ नहीं रही है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बारिश हो जाती तो वो भी जम के होती तब, वरना थोड़ी देर के लिए होगी तो फिर उमस ही होगी, गर्म ही होगा, लेट्स सी कितनी बारिश होती है, मौसम तो बता रहा है हो जाए थोड़ा, तो देखो अब कितनी देर तक होती है। अभी दी आई नहीं है खटीमा से, देखो कब तक पहुँचती, अब आने वाली होंगी, दीदी का फ़ोन आ गया है, आने वाली होंगी अब दी खटीमा से। तो चलिए फिर करते हैं, थोड़ा मैं अमरूद खा लेती हूँ। आ जाओ, जिसको अमरूद खाना है हमारे घर में मस्त लग रखा है, फल मंदिर के बगल में ही है वहाँ पे अमरूद, इससे तो जिस ये वही वाला पेड़ है जिससे मम्मी जी खूब तोड़ तोड़ के शादी से पहले भेजते थे, शादी के बाद आज ही खा रही हूँ मैं फिर अमरूद, तो जिसको खाना है आ जाओ। मैं अभी आ गई हूँ अंदर, और ये नीरज है चिल्लाने वाला, तो मैं सोची थी बाहर आने लग गई है बारिश, बाहर आने लग गई है बारिश, तो बारिश दिखाऊं भी कैसे, क्योंकि मम्मी जी गए हैं अभी जसारी साइड में गए हैं, इसको मैंने संभाल रखा है, मैं इसकी बनी हुई हूँ, क्या कहते हैं देख रेख कर रही हूँ अभी इसकी जरा। अभी ऐसे ऐसे झांक के देख रहा ये सब यही कर रहा है, कैमरा पूरा हिला रहा है यही कर रहा है, तो जरा इसको मैं साइड में करती हूँ और फिर नीचे बैठा के उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जरा बारिश हो गया, मस्त हो गया मौसम, बाहर हो गया बिल्कुल ठंडा, तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का हाल। क्या हुआ क्या हुआ, व्हाट हैपन बच्चा, क्या हुआ, तो चलिए बाहर का दिखाती हूँ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ होने लग गई है बारिश जम के, और देखो पूरा गैलरी में भी, मतलब ये बालकनी में भी हमारी बारिश हो गई है, तो बढ़िया हो गया मौसम, ठंडा हो गया बिल्कुल मौसम, तो हम लोग थोड़ा बारिश के आनंद लेते हो गई है शाम, यहाँ पे बारिश रुक गई है बिल्कुल, तो यहाँ पे मेरी नंदे आ गई हैं दिया और निक्को, इन लोगों ने हमें कर दिया इन लोगों ने हमें कर दिया सरप्राइज, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये लोग आ रहे हैं, बस बाहर से बुआ बोला तो दिया भी आ गई है, दिया से आप जान दिया को पहचानती हो जिसने मुझे मैगी में हराया था, और ये निक्कू है बड़े वाली, निक्कू को भी मिला ही रखा है मैंने,
तो आज ये लोग यहीं रह रहे हैं भाभियों के साथ, तो आज होगी फुल मस्ती। दी अभी नहीं आई है, बारिश अभी हल्की गिन गिन हो ही रही है। ये लोग पहुंच गए हैं, दी भी पहुंचने वाली होंगी अभी। तो हम लोग करते हैं ब्रेड पकौड़ी की तैयारी। आलू आलू उमल गए हैं, आलू छिलके फिर सीधे ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, बारिश में खाएंगे ब्रेड पकौड़े। गाइस यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ ब्रेड पकौड़ा, उल्टे हाथ से पकड़ रखा है, एक हाथ खराब हो रखा है मेरा। तो ये ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, आलू डाल के बना रही हूँ मैं ब्रेड पकौड़ा। ये पूरा बैटर है यहाँ पे, मैंने काट के आलू डाल के रख रखे हैं इसमें, और यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बन रहा है। जी जिसको खाना गाइस आ जाओ, इसके बाद चटनी भी बनाऊँगी। तो मस्त गरम गरम ब्रेड पकौड़े चटनी के साथ, वो भी बारिश वाले मौसम में, तो फुल इनवाइट है बिल्कुल अच्छे दिल से। आप लोग जल्दी से आ जाओ और हमारे साथ एंजॉय करो ब्रेड पकौड़ा। चलिए मैं बनाती हूँ तब तक ब्रेड पकौड़ा। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, आ गया है हमारा ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा और चटनी, ये देखो। तो गरम गरम ब्रेड पकौड़े और चटनी हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे निक्कू बैठी हुई है, मिर्ची हो रही होगी, लाल मिर्ची भी डाल रखी है, हरी भी डाल रखी। तो हम लोग जरा खाते हैं ब्रेड पकौड़ा का आनंद लेते हैं, और डिनर में है आज हमारा पनीर। इसके बाद करनी है हमें शाही पनीर की तैयारी, तो चलिए हम लोग तैयारी करेंगे इसके बाद। तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड। तो अगर वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ। गाइस प्लीज़ दो बार सब्सक्राइब मत करना, सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करो, एक बार कर दिया तो फिर मत करो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी वीडियो डालो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते रहूँगी नई नई वीडियोज़ के साथ, मेरी वीडियोज़ का इंतजार करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।